चलिए शुरुआत करते बुलेटिन की, जहां सीएम सचिवालय के कर्मी चिट्ठी लेकर पहुंचे ईडी दफ्तर। सीएम को चौथा समन जारी होने के बावजूद ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे सीएम। और देखिए, सीएम को चौथा समन जारी होने के बावजूद जो है सीएम ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे हैं, और सीएम सचिवालय से एक कर्मी जो है वो चिट्ठी लेकर ईडी दफ्तर पहुंचा है। ईडी के खिलाफ हाईकोर्ट की शरण में है हेमंत सोरेन, और याचिका दायर कर ईडी की शक्तियों को चुनौती दी है, कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है। वही सीएम सचिवालय का कर्मी लेटर लेकर ईडी दफ्तर पहुंचा है। देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ईडी के खिलाफ हाईकोर्ट की शरण में हेमंत सोरेन, जहां चौथे समन के बाद भी ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे हैं सीएम सचिवालय के कर्मी, चिट्ठी लेकर ईडी दफ्तर पहुंचे। सीएम को चौथा समन ये जारी किया गया था आज। सीएम सचिवालय के कर्मी चिट्ठी लेकर पहुंचे ईडी दफ्तर। सीएम को चौथा समन जारी होने के बावजूद ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे सीएम। इसके पहले तीन और बार समन जारी कर उन्हें पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया था, लेकिन सीएम हेमंत सोरेन पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे, और आज भी चौथे समन पे हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे हैं। सीएम सचिवालय की तरफ से एक कर्मी लेटर लेकर ईडी दफ्तर पहुंचा। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के समन के खिलाफ हाईकोर्ट की शरण ली है। उन्होंने आज 11:07 पर याचिका दायर की, और ईडी ने चौथा समन भेजकर आज उन्हें पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा था, लेकिन ईडी कार्यालय जाने से पहले सीएम ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर ईडी की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग करते हुए इस मामले में हस्तक्षेप का आग्रह किया है। सीएम ने अपनी याचिका में ईडी की शक्तियों को भी चुनौती दी है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने ईडी के समन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाई कोर्ट का रुख करने का निर्देश दिया था। और इधर रांची के हिनू स्थित ईडी कार्यालय में सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। गौरतलब है कि ईडी ने पहली बार सीएम को 14 अगस्त, दूसरी बार 25 अगस्त और तीसरी बार 9 सितंबर को उपस्थित होने के लिए समन भेजा था। हालांकि पहले समन पर सीएम ने इसे गैर कानूनी बताते हुए वापस लेने का अनुरोध किया था। रोक लगाने की मांग किया है सीएम हेमंत सोरेन ने। याचिका में ईडी की शक्तियों को भी चुनौती दी गई है, और आज चौथे समन के पे भी सीएम हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे, बल्कि सीएम सचिवालय का एक कर्मी लेटर लेकर ईडी दफ्तर पहुंचा है। इसके पहले तीन और समन दिए जा चुके हैं सीएम हेमंत सोरेन को, और ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था 14 अगस्त, 25 अगस्त और 9 सितंबर को भी बुलाया गया था। लेकिन और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी इमरान जुड़ रहे हैं हमारे साथ फोन लाइन पे। इमरान, आज चौथा समन भेजकर सीएम हेमंत सोरेन को ईडी दफ्तर बुलाया गया था पूछताछ के लिए। इसके पहले भी तीन बार बुलाया गया था और वो नहीं हाजिर हुए थे, और आज भी पिछले बार की तरह एक कर्मी लेटर लेकर पहुंचा है ईडी दफ्तर। जी इमरान, बिल्कुल जिस तरह से देखिए, बिल्कुल जिस तरह से इस पूरे मामले को अगर हम देखें तो एक के बाद एक सीएम हेमंत सोरेन को
चौथा सम्मन जारी किया जा चुका है और ऐसे में इस सम्मन के जरिए सीएम से ईडी के कार्यालय में पूछताछ होनी थी, लेकिन पूरे मामले को लेकर के ईडी के सम्मन को ही चुनौती देते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने ना सिर्फ इस सम्मन को रद्द करने के लिए कहा बल्कि इस सम्मन पर अपेयर नहीं हुए और पहुंचे नहीं और पूरे मामले को कानूनी प्रक्रिया के तहत जवाब देने के लिए पहले सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए, अपने पक्ष जो है हाई कोर्ट में रखा जा सके। इसके बाद आज 27 तारीख है, 27 तारीख को सीएम को बुलाया गया था पूछताछ के लिए, उससे पहले दिन के 11 बजे सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से एक रिट याचिका जो है वो हाईकोर्ट में दाखिल की गई है। हालांकि वो अभी कई प्रक्रिया है उनको सूचीबद्ध होने में और सुनवाई पूरी होने में, वैसे में दिन भर ये सस्पेंस बरकरार था कि सीएम हेमंत सोरेन पहुंचेंगे ईडी दफ्तर या नहीं। तो अब जाकर के दोपहर के लगभग 3 बजे ये आधिकारिक रूप से जानकारी मिल गई है, चूंकि हमेशा से ही जब हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर नहीं पहुंचते हैं तो चिट्ठी लेकर के जो उसके डाककर्मी है वो पहुंचते हैं ईडी कार्यालय और जानकारी देते हैं कि इस पूरे मामले में सीएम हेमंत सोरेन आज पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं होने वाले हैं और चिट्ठी के माध्यम से ही पूरी जानकारी दी गई है। हालांकि डाककर्मी की माने तो उनका काम सिर्फ इतना है कि जो चिट्ठी उसे दी जाती है उस चिट्ठी को ईडी कार्यालय में ला करके रिसीविंग कराया जाता है। चिट्ठी में कंटेंट क्या है, क्या कुछ लिखे गए हैं, उसे कुछ भी जानकारी नहीं होती है, लेकिन इतना तो साफ है समन पे भी सीएम हेमंत सोरेन जो है वो नहीं पहुंचे हैं ईडी दफ्तर और वो हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं इस मामले में। पिछले 3 और बार बुलाया जा चुका है समन भेजकर सीएम हेमंत सोरेन को, लेकिन वो ईडी दफ्तर नहीं पहुंच रहे, पूछताछ से बच रहे हैं। ईडी की कार्रवाई पर वो रोक लगाने की मांग कर रहे हैं, उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर ईडी की कार्रवाई पर जो रोक लगाने की मांग करते हुए इस मामले में हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। सीएम ने अपनी याचिका में ईडी की शक्तियों को भी चुनौती दी है। जी इमरान, तो आज भी फिर से नहीं पहुंचे ईडी दफ्तर सीएम हेमंत सोरेन चौथे समन के बाद भी, और उन्होंने हाई कोर्ट से हस्तक्षेप करने की मांग की है और कार्रवाई को रोकने की मांग की है। देखिए इस पूरे मामले की अगर हम गौर करें तो लगातार सीएम हेमंत सोरेन को चौथा समन जारी किया जा चुका है और ऐसे में अब तक सीएम हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे हैं पूछताछ के लिए अपनी जवाब देने को लेकर के। पूरे मामले पर आज झारखंड हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर की गई है सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से, जहां ईडी के द्वारा जारी सम्मन को चुनौती दी गई है और इस सम्मन को रद्द करने के लिए कहा गया है। बताया गया है कि सम्मन को गैरकानूनी बताते हुए सीएम हेमंत सोरेन जो है अपनी रिट याचिका दायर की गई है, चूंकि पिछले दिनों जब सीएम हेमंत सोरेन को जब सम्मन दिया गया था तो सम्मन के खिलाफ जो है वो सर्वोच्च न्यायालय जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट में ने इस पूरे मामले में कहा था कि आप झारखंड हाईकोर्ट का रुख करें, चूंकि अपने मामले को हाईकोर्ट में रखें और उसके बाद जो है सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से आज की तारीख में यानी 23 सितंबर को हाईकोर्ट का रुख किया गया, याचिका डाली गई है। इसके बाद दिन भर सस्पेंस था कि सीएम हेमंत सोरेन पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, कभी भी पहुंच सकते हैं चूंकि ईडी के द्वारा सम्मन जारी किया गया, लेकिन जब उनके डाक कर्मी मतलब सीएम सचिवालय में पदस्थापित जो डाक कर्मी है उन्होंने एक लेटर लेकर के ईडी दफ्तर पहुंचे और वो जब ईडी दफ्तर पहुंचते हैं तो इसका मतलब साफ होता है कि सीएम की तरफ से ये चिट्ठी जो है वो रिसीविंग कराने के लिए भेजी गई है, जिसमें कहा जा रहा है कि उसमें जो हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की गई है उनका हवाला तो दिया ही गया है, साथ ही कानूनी प्रक्रिया के तहत पूरे मामले को देखने की बात कही जा रही है और इस वजह से वो ईडी दफ्तर पर उपस्थित नहीं हो सकते हैं और कुछ वक्त जो है वो सीएम हेमंत सोरेन को चाहिए। तो कहीं ना कहीं सारी चीजों को लेकर के अब ये बात उठती है कि आखिर इस पूरे मामले को लेकर होने के बाद ईडी का क्या कुछ रुख होता है और ईडी इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई करेंगे, क्योंकि पिछले दिनों जब सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित था 18 तारीख को डेट जब निर्धारित थी, इसके बावजूद जो जो ईडी के अधिकारी हैं वो 27 सितंबर का मतलब आज की तारीख का संबंध जो है सीएम हेमंत सोरेन को दे दिया गया था, तो ऐसे में अब एक बार फिर से जब शनिवार को यानी कि आज की तारीख में हाईकोर्ट में मामला पूरी तरीके से लंबित है और लंबित होने के बावजूद अब देखना होगा
होगा कि ईडी इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ रुख रखता है, आगे की कार्रवाई ईडी की तरफ से क्या कुछ होती है, क्या इस पूरे मामले में हाईकोर्ट में जब सुनवाई होगी तो उसमें सीएम हेमंत सोरेन को राहत मिलती है या फिर नहीं मिलती है, ये सारी चीजें आने वाले वक्त में क्लियर हो पाएगा। लेकिन इतना तो साफ है कि हर एक तरीके से कानूनी रूप से दोनों ही पक्ष, मतलब एक ईडी के तरफ से लगातार सम्मन और पूछताछ के लिए अपने अधिकार अपने कार्य क्षेत्र का हवाला देते हुए बुलाने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से भी प्रयास किया जा रहा है कि कानूनी प्रक्रिया के तहत कानूनी लड़ाई लड़ी जा सके। और इसी लड़ाई के तहत झारखंड हाईकोर्ट का रुख किया गया है और इसी प्रक्रिया के तहत ईडी को जवाब देने की कोशिश की जा रही है। तो देखना होगा कि क्या कुछ रुख होता है, क्या कुछ राहत मिल पाते हैं सीएम हेमंत सोरेन को। लेकिन आज डाक कर्मी जब ईडी दफ्तर पहुंचे तो यहां से सस्पेंस खत्म हो गया कि अब ईडी दफ्तर आज सीएम हेमंत सोरेन नहीं पहुंचेंगे। सस्पेंस जो है वो खत्म हो चुका है, अब ईडी दफ्तर उनका कर्मी सीएम सचिवालय से कर्मी लेटर लेकर पहुंच चुका है। अभी आने वाला वक्त ही बताएगा कि हाईकोर्ट की तरफ से क्या राहत मिलती है। दोनों पक्ष जो है काफी मजबूत है कानूनी तौर पर देखा जाए तो। बहुत बहुत धन्यवाद इमरान तमाम जानकारियों के लिए। और देखिए आज ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन चौथे समन के बाद भी, और सीएम सचिवालय की तरफ से कर्मी जो है वो लेटर लेकर ईडी दफ्तर पहुंचा है। हाईकोर्ट की शरण में है सीएम हेमंत सोरेन और हाईकोर्ट से हस्तक्षेप करने की मांग कर रहे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।